ओम शांति। 2/6/2020 की साकार मुरली। मीठे बच्चे, तुम सारे विश्व पर शांति का राज्य स्थापन करने वाले बाप के मददगार हो। अभी तुम्हारे सामने सुख शांति की दुनिया है। प्रश्न, बाप बच्चों को किस लिए पढ़ाते हैं? पढ़ाई का सार क्या है? उत्तर, बाप अपने बच्चों को स्वर्ग का प्रिंस, विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे पढ़ाई का सार है, दुनिया की सब बातों को छोड़। ऐसे कभी नहीं समझो, हमारे पास करोड़ हैं, लाख हैं, कुछ भी हाथ में नहीं आएगा, इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, पढ़ाई पर ध्यान दो। गीत, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, सवेरे सवेरे उठ, पैदल करते बाप को याद करो, आपस में यही मीठी रूह रिहान करो कि देखें कौन कितना समय बाबा को याद करता है, और फिर अपना अनुभव सुनाओ। बाप को पहचान लिया तो फिर कोई बहाना नहीं देना है, पढ़ाई में लग जाना है, मुरली कभी मिस नहीं करनी है। वरदान, रियलिटी द्वारा हर कार्म व बोल में रॉयल्टी दिखाने वाले फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी भव। रियल्टी अर्थात अपने असली स्वरूप की सदा स्मृति, जिससे स्थूल सूरत में भी रॉयल्टी नजर आएगी। रियल्टी अर्थात एक बाप दूसरा न कोई, इस स्मृति से हर कर्म व बोल में रॉयल्टी दिखाई देगी। जो भी संपर्क में आएगा उन्हें हर कर्म में बाप के समान चरित्र अनुभव होंगे, हर बोल में बाप के समान अथॉरिटी और प्राप्ति की अनुभूति होगी। उनका संग रियल होने के कारण पारस का काम करेगा। ऐसी रियलिटी वाली रॉयल आत्माएं ही फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी बनती हैं। स्लोगन, श्रेष्ठ कर्मों का खाता बढ़ाओ तो विकर्मों का खाता समाप्त हो जाएगा। ओम शांति।